कस्टमाइज करना सीखेंगे खुद से। खुद से अगर हमें कोई फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता है, चलो ये तो हमने कल वाली क्लास में देखा, ये तो प्री डिफाइन थे पहले से ही, वो हमें सेलेक्ट करें अप्लाई हो गए। अब मानो मुझे खुद से बनाने की आवश्यकता पड़े, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे उस कंडीशन को उस पर मैं अप्लाई करें। मैं इन अमाउंट्स को यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, तब हम कैसे कर पाएंगे। तो आज वही चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें। अरे एंटर कर देंगे, डेटा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जर्नल करने के लिए क्या करेंगे, सीधा इधर आओ और यहाँ जर्नल पे क्लिक कर दो, जर्नल हो जाएंगे। तो इनके हम कोड समझेंगे, कोड हम इस पर क्या क्या अप्लाई करें आज, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम खुद से आज कस्टमाइज बनाना सीखेंगे, ये वो तो उसमें पहले से बने हुए थे। तो क्या करना है, कई बार आपने देखा होगा भाई, जैसे ये अमाउंट्स हैं हमारे पास, इसमें ना इस तरह कई बार ना स्लैश लगा होता है, वैसे तो टेस्ट बन गया है, नंबर तो नहीं, क्योंकि राइट साइड नहीं आती, ये टेस्ट है, इसी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं। पर मुझे इन अमाउंट्स पे ना सभी पे ये वाला कोड अप्लाई करना, जब भी मैं अमाउंट इंसर्ट करूँ इसमें ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कोड अपने आप जो आ जाना चाहिए। अब ये होगा कैसे, इसके लिए कोड मैं लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना। मैं ब्रैकेट में कोड राइट कर रहा हूँ इधर, आपको क्या करना, एक हैज, हैज क्या करता है 15 डिजिट के नंबर को मेंटेन कर लेता है, कॉमा, फिर दूसरा हैज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम दो हैज और एक जीरो अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ना क्या करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट पास करते हैं ना, जो कोई सिंबल लाना चाहते हैं, वो डबल कोटेशन में राइट करना होता है हमें, फॉरवर्ड स्लैश माइनस, ये डबल कोटेशन हमने बंद कर दिया, ब्रैकेट कर दी क्लोज। तो ब्रैकेट तो मैंने इसलिए लगाई है, वो मैंने खाली अलग से लिखा है, मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा वहां पे। ये जो कोड है ना, मैं क्या करूंगा, उसे मैं अप्लाई कर दूंगा कहाँ, अपने कस्टम के अंदर। मैं कंट्रोल वन क्लिक करा, कस्टम पे हम आए, और यहां देखना मैं इस कोड के अप्लाई कर देता हूँ। क्या है, हैज कॉमा, दो हैज कॉमा लगाना है, और यहाँ पे क्या है, एक जीरो, फिर डबल कोटेशन, फॉरवर्ड स्लैश माइनस, डबल कोटेशन, और देन ऊपर देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है। अब जब भी मैं कभी यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट करूंगा, जैसे हमने 45,000 इंसर्ट करा, तो ये सिंबल अपने आप ही इंसर्ट होता चला जाएगा। और ये यहाँ इसकी ना कैलकुलेशन करना आसान है, अगर मैनुअली मैं टाइप करूँ ना इधर, भाई मैंने क्या करा, ये हमने मैनुअली टाइप कर दिया, और हमने यहाँ मैनुअली टाइप करके ये हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ये कोई नंबर थोड़ी ना, तो टेक्स्ट है, इसी कैलकुलेशन करना पॉसिबल थोड़ी नहीं है। तो इनकी पॉसिबल कैलकुलेशन करना इनका पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है ब्रैकेट में अंदर जाके। अगर इस तरह का वो आपको चाहिए तो सेंड, इस तरह का फॉर्मेट यदि चाहिए खुद से बना हुआ, तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा इसमें, तब आप अमाउंट को सामने इस तरीके से ले सकते हैं। चलो हमने कई बार अमाउंट ऐसी तरह भी लिखी हुई देखी है, भाई ये है और आप लिखा हुआ है 50,000, होता है कई बार। तो इसके लिए देखना कोड हम क्या लगाएंगे, सेम वही कोड है। तो पहले ना रुपीज लिखा हुआ है, भाई डबल कोटेशन में आर एस डॉट, डबल कोटेशन में इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। स्पेस देके एक हैज प्रेस करना, क्योंकि हैज ना 15 डिजिट के नंबर को क्या है, मेंटेन कर लेगा ऑटोमेटिकली। सेलेक्ट करा हमने, कंट्रोल वन पे आए, कस्टम पे आ जाएंगे, जर्नल को यहां से रिमूव कर देंगे बैक स्पेस की से, और क्या करेंगे यहां पे हम डबल कोटेशन में जो भी टेक्स्ट आता है ना, हमेशा डबल कोटेशन में ही आएगा, ये थोड़ा ध्यान देना है इसमें। ब्रैकेट स्पेस दे दिया यहां पे ना, एक हैज, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा देखना नंबर अपना आप आ जाएगा, ये देखिए। ये हम खुद से बनाने सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ प्री डिफाइन थे उसके अंदर, जब खुद से बनाने की आवश्यकता होगी ना हमें। आपने बताया ये उसमें कस्टम में कहीं नहीं है, नहीं ये नहीं मिलेंगे कस्टम में, कि हम खुद से बनाना सीख रहे हैं ना चीजों। ये कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, यही सेंटेक्स आपको वहां पे काम आएगा। परंतु यहाँ पे देखिए एक कमी ये है कि यहाँ पे ना सेपरेटर नहीं लगाए, मैंने एक हैज तो वहां अप्लाई कर दिया पर सेपरेटर नहीं आया। सेपरेटर लाने के लिए क्या करना होगा, इसे डबल क्लिक करो, कॉमा, एक हैज और लगाएंगे, दो हैज, फिर एक जीरो, ठीक, और ये एंटर कर देंगे। अब देखना पे मैं सेपरेटर भी लाना चाहता हूँ, तो सेपरेटर देखो किस तरह आएगा, कंट्रोल वन क्लिक किया, उसी को दोबारा एडिट करूंगा फार्मूले को ही मैं, यहाँ पे आए, कॉमा लगाएंगे, शिफ्ट के साथ एक हैज प्रेस कर दिया, दूसरा हैज, जीरो और एंटर। अब देखिए हमें सेपरेटर भी लगा मिलेगा, और एकदम एट्रैक्टिव जो है हमारा डायनेमिक एक प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, तो अमाउंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब कई बार आपने देखा होगा कुछ अमाउंट्स में हो सकता है कुछ इस तरह फॉर्मेट हो, मैं खुद से बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा उन चीज़ों को सीखें। डबल कोटेशन, वैसे इस तरह कहीं होता नहीं है, पर मैं एक और आइडिया ले रहा हूँ यहाँ पे, दो हैज, जीरो और स्लैश माइनस स्लैश, इससे देखना क्या कोड बन के हमारा है, इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। मैन इनका खेल है सारा, ये मैन जो कंसेप्ट ऊपर के ना, इनसे ही मैं सारा काम कर रहा हूँ। भाई सिलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल वन क्लिक किया, कस्टम पे हम आ गए, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इसको यहाँ से क्या है डिलीट कर दो,
तो यहाँ पे क्या है, डबल कोटेशन आर एस डॉट डबल कोटेशन हैज कॉमा हैज दो हैज जीरो डबल कोटेशन फॉरवर्ड स्लैश डबल कोटेशन और एंटर। आप देखिए कुछ फॉर्मेट आपने इस तरीके से भी देखे होंगे। तो ये हमारे फॉर्मेट क्या है, जब हमें बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, कोई सिंबल आगे लगाना है, एमआरपी आगे लगाना है, किलोग्राम लगाना है, लीटर है, मीटर है, पैसे हैं, रुपीज़ है, करेंसी का कोई सिंबल है, हम आसानी से ऐड कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेटिंग, वेरी मोस्ट यूजफुल फॉर्मेटिंग। ये हमें कस्टमाइज खुद से सेट करनी पड़ेगी, ये इसको हम अपने अकॉर्डिंग ना जो हमारा डेटा है उसकी जो रिपोर्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए ही सिखाया है क्योंकि ये इसमें सिस्टम में तो है नहीं पहले से बने हुए, ये हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। अब मान के चलिए आपको एमआरपी आगे राइट कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एमआरपी ही राइट कर लेंगे, एमआरपी डॉट ये थोड़ा से पेस्ट देंगे और सेम वही प्रोसेस क्या हैज कॉमा दो हैज जीरो और एंटर। और देखना यहाँ पे जैसे ही मैं कोई अमाउंट यहाँ पे टाइप करूंगा, अभी अमाउंट मैं पहले नहीं राइट करूंगा, मैं बाद में अमाउंट को राइट करूंगा, कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, कस्टम पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे जो ये हमने ब्रैकेट में जो ये हिंट लिखे हुए हैं आप इनको सेम ने यहाँ पे राइट कर दीजिए, एम जैसा है एम आर पी डॉट और स्पेस देंगे, स्पेस आ जाएगा अपने आप ही हैज कॉमा दो हैज जीरो और एंटर। अब देखने यहाँ पे मैं जैसे ही एम आर पी मैं राइट कर रहा हूँ इधर 500, इसके सामने कोई प्रोडक्ट हो सकता है पर मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया, मैं खाली अमाउंट्स पे काम कर रहा हूँ, नंबर की फॉर्मेटिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए हाँ कुछ भी किलोग्राम लिख देंगे तो किलोग्राम, लीटर है तो लीटर, मीटर है तो मीटर, सारा कुछ काम करेगा। अब जैसे मान लो आपको मेजरमेंट करनी है यूनिट को, यूनिट को आपको मेजरमेंट करना है, तो जैसे किलोग्राम होती है उसको हम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए सिंपल आपको एक कंसेप्ट ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एक हैज देना है, ठीक है, स्पेस बार देके एक केजी अप्लाई कर देना है बस, ओनली ये डबल कोटेशन में आएगा क्योंकि टेक्स्ट है, तो एडिट करने के लिए F2 करेंगे फंक्शन की और यहाँ पर डबल कोटेशन इस तरीके से। अब देखना हम ये कैसे हम किलोग्राम इसमें ऐड करें, क्योंकि मैनुअली करेंगे तो टेक्स्ट बन जाएगा, नंबर कहाँ हो पाएगा, फिर इसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम देगा हमें। कंट्रोल वन कस्टम, इसको यहाँ से क्या है हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हमने एक हैज कॉमा डबल कोटेशन केजी किलोग्राम आपने ऐड कर दिया और ये एंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 50, तो 50 केजी, और यहाँ पे क्या है कि ये क्या नहीं आ रहा है इधर, यह नंबर नहीं आ रहा है, मतलब जैसे मैंने 50 लिखा तो एक सिर्फ ओनली क्या है केजी ले रहा है, तो हम ये देखेंगे इसमें गलती कहाँ हुई हमसे। इसको एक बार सेलेक्ट करो, कंट्रोल वन पे दोबारा क्लिक कीजिए, हैज़ यहाँ पे ना कॉमा लगा दिया, इसकी प्रॉब्लम है, इस कॉमा का फटाइए यहाँ से, ठीक है, और स्पेस वैसे दे दीजिए मैनुअली। कॉमा ना सेपरेटर के लिए होता है, वो तीन डिजिट जब तक आप इसमें नहीं डालोगे जब तक वो डेटा दिखाएगा नहीं आपको, तीन का मतलब तीन नंबर तक वो दिखाएगा नहीं कुछ भी, जब तीन डाल दो उसके बाद दिखाना स्टार्ट करेगा। तो हमने सिंपल क्या ये लिखा और देखो, हम जैसे मैं अमाउंट 50,000 केजी हो गया, खुद से ना कुछ भी आप ना मेजरमेंट करके ना यूनिट का भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं आसानी से, आप कुछ भी लिखते रहेंगे वो अपने आप आता रहेगा बाय डिफॉल्ट। रुपीज़ लिखना है आपको, जैसे होता है इंडियन रुपीज़ हम कई बार आगे राइट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई डबल कोटेशन, बस ये लास्ट एग्जाम्पल लेंगे एक हम, उसके बाद फिर आगे करते हैं। आपने रुपीज लिख दिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे एक हैज लगा देंगे ओनली, कॉमा दो हैज फिर जीरो, ताकि पूरा फॉर्मेट टेक्स्ट बन के आए प्रोफेशनल तरीके से। तो क्या करेंगे, नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल वन पे गए, कस्टम पे हम आ गए, इसको यहाँ से क्या है रिमूव कर देंगे, बैक स्पेस की सिलेक्ट करके जो भी आपको चाहिए उसे ना पहले आप डबल कोटेशन में ही राइट कर दीजिए, ठीक है, रुपये स्पेस दे देंगे, कॉमा दो हैज जीरो और एंटर। आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ये राइट किया, वो मैंने शॉर्ट में लिया है, आप यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हो, INR लगा सकते हो, जिस भी देश की करेंसी का सिंबल है आप डॉलर भी लगा सकते हो, जो भी आप सिंबल ऐड कर देंगे वो डिफॉल्ट में आता रहेगा। पर यहाँ ना एक्चुअल में देखेंगे यहाँ कोई रुपीज का सिंबल ऐड नहीं है, डबल क्लिक करके एडिट कीजिए सेल को, कोई रुपीज को तो खाली विजिबल हो रहा है ना, कस्टम फॉर्मेटिंग का यही फायदा है कि जब आप डेटा की विजिबल करोगे ना तो होता क्या है उसमें कि उसकी विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, बाकी जो ओरिजिनल डेटा वही रहेगा जो उसमें है पहले से। और प्रिंट निकालेंगे तो फिर हाँ प्रिंट में एक्चुअली यही आएगा, प्रिंट में यही आना है। देखो मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, अब सेलेक्ट करके इसे हमने कर दिया, मुझे इतने एरिया का प्रिंट चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ ना एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन ओनली, ये आ गया देखिए,
जो हमने सेलेक्ट करा उसी का प्रिंट आया निकल के, और वही डेट आ रहा है एक्चुअल में जो हम चाहते थे, जो रिपोर्ट हमने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। अब प्रिंट से बाहर जाना तो एस्केप की दबाएंगे कीबोर्ड से, और जो ऊपर कोर्स लिखे हैं इन्हें अगर हटा दें तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा डेटा में। कौन से कोर्सेज ऊपर कोड कोड जो हैज करके हमने इनको ऊपर लिख रखे हैं, इन्हें अगर आपसे रिमूव कर दें तो डेटा तो सेम रहेगा ना। हाँ, इसमें कोई फायदा, तो खाली हिंट मैंने दी है ना आपको, ये तो खाली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, और मान लो मैं आपको हिंट दूं आप करोगे कैसे, ये हिंट है। इसी के थ्रू तो ये सारा चल रहा है हमारा, ये नीचे के जो फॉर्मेट हमने अप्लाई करी, इनके जो कोड्स हमने कस्टमाइज करा है ना खुद से, वो ये सिंबल्स हमने अप्लाई करे तभी हमारा कोड आ पा रहा है यहाँ पे, इसकी फैसिलिटी तभी हमारे यहाँ पे आई पाई है। इसी तरीके से ना आप दुनिया का कोई भी सिंबल आपको ऐड करना है, कोई किलोग्राम लीटर मीटर टन, आप मेजरमेंट यूनिट आसानी से बना सकते हैं। अब इनकी देखना कैलकुलेशन में सब भी कर देता हूँ एक साथ ही, सेलेक्ट करा नीचे से ऑटो सम होता है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, सबका सम आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप मैनुअली इस काम करने बैठ जाओ, आपने क्या करा यहाँ पे ये राइट कर दिया, ये इस तरह आप अमाउंट को इंसर्ट करा रहे हो, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ए कैलकुलेट, दिस इज ए टेक्स्ट नॉट ए नंबर, अप्लाई फार्मूला है एंड नॉट ए कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट होगा भी नहीं। तो इसलिए ना कस्टम बहुत काम का होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट है कंसेप्ट, ये वाला जो ऑप्शन हमने अप्लाई करा है। तो सम आ गया नहीं आ गया इन सबका निकल के, क्योंकि ये नंबर में है, कस्टमाइज जो हमने करा है वो पीछे से काम कर रहा है, वो बैकएंड में चल रहा है, और रिपोर्ट हमें इस तरह जो हम चाहते थे उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट हमारी क्या डिजाइन होगी यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सारे पॉइंट? इसमें एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे, अब जैसे ये है मतलब, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं लगा इसमें। स्टैंडर्ड तो ये है, मेन कॉमन तो ये है, हैज कॉमा दो है जीरो, बाकी जो सिंबल है अप्लाई लगाना, उसके बाद डबल कोटेशन में टाइप कर दो, कुछ भी राइट कर दीजिए, अपना नाम लिख देंगे नाम भी आ जाएगा, इसके कहने मतलब स्टैंडर्ड तो यही है। हाँ, हैज कॉमा दो है जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो हमारे हो गए, जब हमें कंप्यूटर के अंदर नहीं दे रखे हैं इस तरीके से, अगर हमें खुद से कोई फॉर्मेट हमें बनाना पड़ जाए तो आसानी से क्या है उस फॉर्मेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाइए अगले कंसेप्ट पे, मैं मेरे ये वाले तो सारे रिकवर हो गए यहाँ तक, अब मैं आ रहा हूँ अलाइनमेंट ऑप्शन पे, सबसे ज़्यादा काम वाला ऑप्शन है। अलाइनमेंट की आवश्यकता हमें होती क्यों है ये हम देखेंगे, अलाइनमेंट की जरूरत हमें क्यों हुई, क्यों उसका हम यूज करते हैं। मान के चलिए मेरे पास यहाँ डेटा है, ये मैं एक अगली सीट पे कुछ यहाँ पे डेटा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान के चलो आपके यहाँ पास क्या है, रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मार्कशीट का, यहाँ पे नेम है, आपके यहाँ हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं, अकाउंट है, इधर टोटल है, इधर आपकी एवरेज है, एवरेज होगी। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पर रोल नंबर हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ना वन राइट करो, ठीक है, और कंट्रोल दबा के रखो कीबोर्ड से, इसको नीचे ड्रैग कर देना, अगला नंबर अपने आप जनरेट कर देगा। जैसे हमें 10 तक चाहिए तो 10 तक हमने ले लिए, नाम इसमें हम राइट कर देंगे, जैसे योगेश है, कमल है, सोनू है, मोनू है, रोहन, कैलाश, मनीष, जगदीश, चलो गलत हो गया स्पेलिंग, ये हमने जय लिख दिया, जगदीश लिख दिया, ठीक है, ये हमारे मार्क्स हो गए, हमें इनके मार्क्स दे रखे हैं। अब देखना मार्क्स हम कैसे फिल करेंगे, हमने क्या करा यहाँ पे, मैं वैसे अब टैप करेंगे तो ये अगले उसमें चला जाएगा सेल में, रेंज सेलेक्ट है, ध्यान देना रेंज अभी सेलेक्ट है, वो उसी रेंज में कर्सर जो है मूव करता रहेगा। अब मैं ज़्यादा प्रेस ना करके मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा, सारे ये जैसे फिल हो जाएंगे। हाँ, अगर ये हमें चाहिए जैसे ऊपर के हैं तो सब में यही आ जाए ऊपर का कोड जो है, तो आप इनको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक कर दो, ये सेम नीचे रिपीट हो जाएंगे जो ऊपर की वैल्यू है। हमें टोटल चाहिए इनका, हमने क्या करा यहाँ ऑटो सम पे गए और सम निकाल दिया हमने, इसको हटाओ। अब अलाइनमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत केस हैं उसके, कई बार क्या होता है डेटा नीचे वाले सेल में, देखो डेटा थोड़ी जगह ले रहा है, कम साइज में है ना, ऊपर हो सकता है इनको मैं ऑटो फिट करना चाहूँ, एक साथ ऑटो फिट कैसे होते हैं वो भी देख लो, सीटों कर लो सेलेक्ट और एक सेल पर डबल क्लिक कर दो किसी पे भी, ये सारे सेट हो जाएंगे अपने आप ही, जहाँ डेटा राइट है ना वो सारे सेल अपने आप सेट हो जाते हैं। अगर चाहते हैं कि भाई एक का साइज हम कम करें तो सबका हो जाए, तो बस एक का क्लिक करके भी कर सकते हैं, वैसे सबका कम हो जाए, एक का बढ़ाओगे तो सबका बढ़ेगा, पूरी सीट सेलेक्ट है ना हमारे पास।
और इसका अलाइनमेंट हम देते हैं जब ये डेटा हमारा नीचे कम जगह ले रहा है, ऊपर ज्यादा ले रहा है, क्या ऊपर डेट हो सकती है, तो उसको ना एक एंगल पे हम क्या है 9 डिग्री से एंगल दे देते हैं, उसे अलाइनमेंट दे देते हैं। तो कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, यहाँ अलाइनमेंट ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये अलाइनमेंट हमने दे दिया इसको, इस अलाइनमेंट हम दे सकते हैं। जब हमें लगता है कि जो ऊपर का जो डेट है वो ज्यादा जगह ले रही है, पर नीचे वाला डेटा का जो उसे जगह लेनी चाहिए वो कम है, तो इस कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं डेट ले लेता हूँ, यहाँ पे हमने क्या डेट ही ले ली, समझाने के लिए डेट ले ली। अब कंट्रोल सेमी कोलन से डेट इंसर्ट कराएंगे, तो देखिए ये जो डेट, अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पे लूँ, कंट्रोल बंद करा, इस पर क्लिक कर दीजिए, जीरो हो गया, तो ऐसा आ जाएगी। इसी डेट को मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ, अब देखो जगह ज्यादा है ना ऊपर, इसको ना मैं एक एंगल पे क्या है, अगर मैं इनको ऑटो फिट भी करूं, ऑटो फिट भी यदि मैं करूं, यहां से क्लिक करके डबल क्लिक करूं एक सेल पे, तो अभी भी जगह काफी बच रही है, नीचे देख रहे हो ना, ये जगह काफी स्पेस है मेरे पास। तो इसी कंडीशन में ना इनको मैं अलाइनमेंट देने की आवश्यकता होती है। सेलेक्ट करो कंट्रोल वन, 90 डिग्री पर अलाइन कर दीजिए, देन ओके। अब इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कीजिए, अब क्या करेंगे, यहां सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो देखना डेटा मेरा थोड़ी सी जगह में कितना डेटा आ गया। इसलिए ही अलाइनमेंट हमें दिया जाता है कंप्यूटर में, अलाइनमेंट कोई खामा का ऑप्शन तो दे नहीं रखा है एक्सेल के अंदर। अलाइनमेंट का एक अपना एक यूज है, एक उसका अपना मीनिंग है उसका भी, तो इस तरह काम आता है अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट के थ्रू बहुत सारी सीट बनती है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे आगे चल के, अलाइनमेंट बहुत काम आएगा आगे चल के भी। कुछ डेटा आपको इस तरह से लेना पड़ सकता है। अब इसको मान लो सेंटर में करना है, इसे डेटा मुझे सेंटर में चाहिए सारा, तो नाम तो सेंटर में नहीं लेंगे, नाम तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये हम सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन दिखा रखे आपको, यहाँ से सेंटर में कर दीजिए, ये देखिए हो गया ना सेंटर में इस तरीके से, ये हमें सेंटर में कर दी, इसे सेंटर में करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए सीधा शॉर्ट, ये सेंटर में, इसे करना है इसे भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सेंटर में आ गया। तो अलाइनमेंट, अब मान लो अलाइनमेंट तक कई बार कुछ सीट आपने अगर देखी हो भविष्य में, मैं इसे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल वन पे गए, यहाँ एक बॉर्डर ऑप्शन है, इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर, देन ओके। अब इसको अलाइनमेंट दूंगा 45 डिग्री पे अलाइनमेंट, और देन इधर, अब देखना कुछ सीट आपने ऐसे भी देखी होंगी बनी हुई, वो अलाइनमेंट यहीं से भी जाता है, वो अलाइनमेंट यहीं से चलता है हमारा। अब बॉर्डर आप इसे दे देंगे तो ये भी अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो बॉर्डर देने के दो तरीके हैं वैसे, एक आप यहाँ आ जाइए सीधा और यहाँ से बॉर्डर ऑन कर दीजिए, तो इसका आप सीट का प्रिंट निकालोगे तो बहुत बेहतरीन जो है हमारे पास ना एक प्रिंट निकल के आएगा। तो वहाँ पे हम इसे एक बार क्या करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, आप देखेंगे यार प्रिंट नहीं दिखा रहा है मुझे, नहीं आ रहा ना ऐसा, पता क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो प्रिंट पे था, मैं इसे एक्टिव सीट पे कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये हमारी सीट प्रिंट होकर आ जाएगी। तो अलाइनमेंट इसलिए हमें आवश्यकता होती है, इसके मैं आपको काफी एग्जाम्पल भेजूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस घर पे करना। आगे ऑप्शन देखिए अलाइनमेंट के आगे, इसमें है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट की आवश्यकता क्यों होती है, काफी काम का ऑप्शन है, पूरी लाइफ टाइम काम आता है ऑप्शन, पूरी लाइफ टाइम चलता है, जब जब एक्सेल पे काम करेंगे ये हमेशा काम आएगा मुझे। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे राइट करा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, तो ये डेटा ना इस लाइन में ही है सिर्फ, ये इसमें नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये ना इस लाइन से बाहर ना, इसी सेल में रैप हो जाए, इसी सेल में क्या हो जाए, ये रैप टेक्स्ट हो जाए। इसके दो तरीके रैप करने के, एक शॉर्ट है कि आप सीधा यहाँ क्लिक कर दें, रैप टेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया रैप टेक्स्ट, ये रैप टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। एक तरीका ये कि मैं इसे कंट्रोल जेड से एक बार बैक करता हूँ, या फिर क्या करें हम कंट्रोल वन क्लिक करें और यहाँ एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, दोनों की बात एक ही है ना, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो, कंट्रोल पे क्लिक कर दो, ओके रैप टेक्स्ट। अब इसका साइज में जैसे बढ़ाऊंगा कॉलम का, एक बार इनको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे कंट्रोल वन, इसके डिग्री को क्या करो जीरो कर दीजिए और देन ओके, ये सिंपल आ गए हमारे। अब हम इसको साइज जैसे मैं बढ़ाऊंगा इसका, तो ये डेटा अपने आप अरेंज होगा, ऊपर करेंगे तो ये हमारा मर्ज हो गया, इसी को ही रैप टेस्ट बोलते हैं। आप इसमें कितना भी डेटा राइट करते रहिए भाई, वैसे सिंपल तो लिखेंगे नहीं, लिख नहीं सकते, पहले से एडिट मोड में लाएंगे। अब एडिट मोड लाने के तीन तरीके हमारे पास, या तो आप फॉर्मूला बार पे जाएं, या इसमें डबल क्लिक करें, फिर फंक्शन की F2 प्रेस करें, मैं डबल क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मशीन, तो ये इस सेल से बाहर नहीं जाएगा, देखते रहना, ये नीचे आ जाएगा अपने आप, आ गया नहीं आ गया, अब इसे पूरा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे एडजस्ट करने के लिए, इसका थोड़ा साइज बढ़ाइए, ये देखिए इसमें आ गया। इसी का शॉर्टकट से, फिर इसी का भी शॉर्टकट है रैप टेस्ट करने का भी, इसका शॉर्टकट क्या है, वो है ऑल्ट प्लस एंटर की होती है, इससे क्या होता है रैप टेस्ट बोलते हैं इसको, रैप टेस्ट बहुत ज्यादा यूज वाला ऑप्शन है शॉर्टकट, तो
कई बार हो सकता है ये भी ना आए, पर ये तो आएगा आएगा, ये और भी शॉर्ट है। आप क्या कर रहे हो भैया, आपने क्या करा, ये जो एरिया है ना ये मर्ज कर दिया हमने, मर्ज मतलब जोड़ देना, इकट्ठा करना, इन सब का एक सेल बना देना, हेडिंग होती है ऊपर, ये वही चीज़ है। कंट्रोल वन क्लिक करा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज का, ये सारा एक सेल बन गया, नहीं बन गया। इसका साइज में चाहूँ तो ऐसे बढ़ा सकता हूँ, हाइट, हाइट बढ़ेगी। अब देखना यहाँ पे मैं राइट करता हूँ मोदिश पब्लिक स्कूल। अब मुझे नीचे लाइन लानी है, इसके नीचे ही आना है, इसके नीचे ही आना है। अगर एंटर करने से तो आएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे इस गलती करते हैं, वो एंटर कर देते हैं, एंटर से क्या है कि मेरा जो है ना कर्जर वो नेक्स्ट सेल पे आ जाता है। डबल क्लिक करेंगे तो इसके लिए शॉर्ट कमांड भी मैंने लिखवाई थी, ऑल्ट एंटर करेंगे नीचे लाइन लाने के लिए, रैप टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर कीबोर्ड से ही करेंगे। देखो लाइन नीचे आ गई अपने आप उसी में, तो यहाँ लिख दिया हमने दिल्ली NCR, इसके नीचे भी लाइन लेनी है हमें तो ऑल्ट एंटर करेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एंटर करेंगे, देखना इसमें पूरा रेंज हो जाए। या तो रैप टेस्ट के लिए यूज कीजिए, या कंट्रोल में जाके वहां से कीजिए, या फिर ऑल्ट एंटर कर दीजिए, शॉर्ट तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका। आप कीबोर्ड से करें ऑल्ट एंटर, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, जहां पे आपको जहां से भी लाइन ब्रेक करानी है वहां से हो जाएगी। अब इसे सेंटर में करना है, यहां पर क्लिक कर दीजिए, सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ जाएगा। वैसे राइट करते रहो, किसी सेल पर एंटर करते रहो, वैसे आएगा ही नहीं कभी भी, तो ये ऑप्शन बहुत काम का है। मर्ज कर दिया हमने, उसमें कोई डेटा लेना है तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या है, इस तरीके से ऑल्ट एंटर का प्रयोग करके भी रैप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके सिंपली रैप टेस्ट कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन देखिए जो बहुत काम का है, इसमें वो काम का कैसे है तो मैं बताता हूँ, वो दिक्कत कब कब आती है। जैसे मान चलो मैंने ये मर्ज कर दिया, मर्ज करने का भी शॉर्ट तरीका है, कब सीधा यहाँ जाइए, इसे मर्ज कर दीजिए, हो गया मर्ज, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ मैं इसे। कई बार क्या होता है, मर्ज एरिया तो हमारे पास ही होगा, मैंने क्या किया, मैं नेट पे गया, मुझे ना कुछ डेटा कुछ हेडिंग की आवश्यकता है यहाँ से, ठीक है, मुझे कुछ हेडिंग की आवश्यकता है। हमने लिया यहाँ पे जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, राइट कर दिया हमने, नीचे वाली हेडिंग को हम ले लेते हैं, और यहाँ से मैं इस हेडिंग को ना कॉपी पेस्ट करूंगा अपने एक्सेल में, जैसे ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसे, और अपनी सीट पर आ जाता हूँ मैं एक्सेल की पे, और मैं एंटर करता हूँ तो ये पेस्ट, ये कंट्रोल वी से ही पेस्ट नहीं होगा। देखो क्या आ रहा है, डेटा ऑन द क्लिपबोर्ड इज नॉट द सेम साइज, सेव द सिलेक्शन एरिया, डू यू वांट टू पेस्ट द डेटा एनीवेयर, डेटा आ ही नहीं रहा। तो एक चीज ध्यान देनी, जब वैसे तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा यहाँ आ गया, पर वहां नहीं आ रहा है, ऐसा रीजन क्यों, यहाँ नहीं आ रहा है कंट्रोल वी करने पर। तो ध्यान देना, जब मर्ज एरिया होता है ना और डेटा कहीं बाहर से कॉपी कर रहे हैं इधर हम, उसमें कभी डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता, वो पहले ना एडिट मोड में लाओ सेल को, डबल क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल वी कर दीजिए, आपका डेटा जो इसमें आ जाएगा। परंतु अभी ये रैप टेस्ट नहीं है, तो इसको रैप टेस्ट करने के लिए आप ऊपर क्लिक कीजिए रैप टेस्ट पे, तो इसी में ये देखना सारा डेटा जो मर्ज हो जाएगा पूरा, जितना उसे जगह की आवश्यकता उतनी जगह ले लेगा। इसमें से ड्रैग कीजिए, ये इतना डेटा है हमारा, देख रहे हो, ये इस तरह मर्ज होगा। जब हम बाहर से कोई डेटा या एक्सेल का एक्सेल की फाइल से, जैसे नेट से डेटा लिया है, वर्ड का कोई डेटा है, वैसे सिंपल सेल में क्लिक कर दो वहां तो हो जाएगा सिंपली, परंतु जहां मर्ज हमने एरिया कर रखा है वहां से डेटा को हम पेस्ट कर रहे हैं वहां नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान देना है इस कंसेप्ट पे, कहो कि ये तो पता ही नहीं चल रहा क्यों नहीं हो रहा है, तो मर्ज एरिया में कभी होगा भी नहीं आपसे, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल का एक थोड़ा सा इस तरह होता नहीं है। उसके लिए हमें क्या एडिट मोड में करके ही उसे हम पेस्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे मर्ज एरिया में, वैसे आप कहीं भी क्लिक कर दो तो आसानी से आ जाएगा। अब आगे देखिए कंट्रोल वन के अंदर ही श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट माने श्रिंक माने सिकुड़ना। अब मान के चलिए वैसे हमने यहाँ कोई लाइन मैंने राइट की द कंप्यूटर, मैं इसमें कोई लाइन राइट कर देता हूँ इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट द डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन ये डेटा है ना ये सेल से बाहर ना जाए, तो कंट्रोल वन करके इसे ना श्रिंक टू फिट कर दीजिए, देखना सेल से बाहर नहीं जाएगा, छोटा छोटा सा दिखेगा ये, डबल क्लिक करने से पूरा दिखेगा, पर ये श्रिंक हो गया ना, सिकुड़ गया उसी के अंदर, श्रिंक माना होता सिकुड़ना, सेल का साइज बढ़ाओगे तो दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये तो कई बार रेयर से चांस होते हैं कि इसको हम कभी यूज करें, पर ऐसा ही कंसील इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वर्ड्स हैं वो हाइड करके रखने, तो इस तरह हम उसे छिपा के रख सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल पर्पज के लिए ऐसा यूज होता है, जो थोड़े सिक्योर लेवल के कुछ डेटा है। नहीं तो क्या है, यहाँ कंट्रोल वन कर दीजिए, इसे अनसिलेक्ट कर दीजिए, फिर हट जाएगा हमारा ऑप्शन, ये फिर से आ गया प्रॉपर जो आना था नॉर्मली, ठीक है। अब आगे देखो
कंट्रोल वन, हमारा अलाइनमेंट का टॉपिक कवर कर लिया हमने, रैप टेस्ट मैंने सीख लिया, मर्ज सेल मैंने करना सिखा दिया, सीधा यहाँ से सिखा दिया, मर्ज यहाँ से करना सिखा दिया डायरेक्ट। अब आ जाइए फॉन्ट पे। फॉन्ट ऑप्शन किस लिए काम आता है, ये यूजफुल है वैसे देखा जाए तो, जैसे हम कई बार H2O लिखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं H2O, अब H2O जहाँ 2 है ना, अब एक चीज नोट की होगी कभी, जब मैं इस पर किसी कर्जर की मैं फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वन करते हैं जब इसके सारे ऑप्शन आते हैं निकल के, और जब मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट मोड में कर देता हूँ सेल को, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन खुलता है फॉन्ट का ओनली, तो एस्केप से बाहर आओ। पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे 2 को, यहां से देखना मैं 2 को नीचे इसकी पावर बनाऊंगा, बेस लाइन इसकी पावर बनाएंगे, तो पहले 2 को कर लेंगे सेलेक्ट, माउस के द्वारा कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, और यहां होता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और देन ओके, तो देखेंगे पावर, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट है तो पावर क्या हमारी ऊपर अप्लाई होगी, और नीचे लाना है इसी पावर को, तो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसे क्या है सेलेक्ट कर लो माउस से, कंट्रोल वन करो, और एक ऑप्शन है इसमें क्या है सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट के नीचे पावर आ गई। अब मान के चलो बहुत सारी पावर है आपके पास, आपको सेल्सियस लगाने हैं, उसमें डिग्रियां लगानी है, वो कैसे कर पाओगे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 12th क्लास का, 12th इस तरीके से है, फिर इन्हें कैसे इकट्ठा करोगे एक्सेल के अंदर, यहाँ समस्या आ जाती है, जब डेटा काफी बड़ा है उसमें कैसे कर पाए इस चीज़ को हम, तो उसके लिए हम जैसे मान लो TH हमने राइट कर दिया, और सारे TH ही नीचे डबल क्लिक करो, अब इनको हम क्या करेंगे कंट्रोल वन पे जाके ना, इनको क्या करो पहले इनको कर दो सुपर स्क्रिप्ट सभी को, ये पावर बन जाएंगी सभी, ये साथ बना दी हमने। अब इनको हम करेंगे एक बार सेलेक्ट, सेलेक्ट करके इस डेटा को मैं, हाँ तो कंट्रोल वन पे जाएंगे, इसमें ना एक फिल ऑप्शन है, फिल में क्या करेंगे इसे वाइट कर दो, ठीक है, इसे यहाँ से क्या है ओके कर दो इसे, ये हो गया हमारा, हो गया, इसमें लाइन जा चुकी है फोर कार्ड देना बाहर जाके,
तो डेटा हमारे पास है ठीक, बहुत सारे हैं 10, 12, 9 और उन पे तो हम टीएच करते रहेंगे ना एक एक करके। मान लो हम 12th राइट कर रहे हैं तो इनमें तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा हमें करने में, एक एक करके करने जाएं इनको तो जहाँ टाइम लगने चाहिए एक मिनट का वहाँ तो बहुत टाइम खा जाएंगे, ये चीज़ सुपर स्किप करेंगे इसे तो बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। इसका शॉर्टकट्स यही है कि हम एक तरफ तो क्लास के नेम लिख लें, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल डिग्रियां लगानी है, एग्जाम्पल्स हैं। अब ये हमने क्या करा, सेलेक्ट करके टीएच को हमने क्या कर दिया, कंट्रोल पे सुपर स्क्रिप्ट कर दिया इन सबको एक साथ, तो पावर बन गई। अब इनको ना हमें इकट्ठा करना होगा, अभी देखना कैसे करूँगा मैं इनको। वैसे भी इनका अगर प्रिंट निकाले ना तो प्रिंट इनका सही आएगा, देखो कंट्रोल पी करते हैं तो मैं नीचे आता हूँ तो ये टीएच देखो प्रॉपर आ रहा है, परंतु बॉर्डर अप्लाई करने पर दिक्कत देंगी ये चीज़ें। मान लो आपने बॉर्डर अप्लाई कर भी दिया तो बॉर्डर में तो ये अलग अलग आ रही हैं लाइनें, देख रहे हो ना, ये अलग अलग दिख रही हैं हमें, टीएच अलग अलग आ रहा है, पर मैं इकट्ठी जुड़े हैं ये, तो इसके लिए पता है क्या करना है, सेल को आगे बढ़ा के टीएच पे अलग हो जाएगा। देखो ये वाली को समझो इस कंसेप्ट को, हमने ये इस तरह कर दिया, कंट्रोल वन करा, यहाँ ना बॉर्डर के अंदर जाके ना ये जो बॉर्डर ना ये लाइन हटानी होगी आपको बीच में से, ये बीच वाली लाइन ये हटानी है, तो ये हो जाएगी इस तरीके से ठीक है। फिल में आना है और इसे वाइट कर देना है और देन ओके। अब देखिए हो गया नहीं हो गया, अब कंट्रोल पी कर देखेंगे, अब बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास जो है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे उसी हिसाब से मेरे पास ये आ गई है, ये देखिए। उसके लिए इस तरह कंसेप्ट करना पड़ेगा आपको, ये सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करके क्या करना है, या तो सीधा यहाँ जाके भी इसे कलर को थीम को वाइट कर दीजिए, और जो बॉर्डर है यहाँ से तो हो नहीं पाएंगे तो उसके लिए मोर बॉर्डर पर आना पड़ेगा, या तो फिर मैं यहीं आ जाऊँगा। ये लाइन जो है ना बीच की हटानी थी हमें, यहाँ से हटा दिया तो हमारे इस तरह आ गया। अब है इसके अंदर कंट्रोल वन, एक स्ट्राइक ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर, क्या स्ट्राइक है, स्ट्राइक क्यों यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अभिप्राय है कि जैसे मान लो कोई लाइन वर्ड गलत हो गया उसको इंडिकेट कराना है मुझे, जैसे स्वचालित हमने क्या करा, इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको हम स्ट्राइक होता किसी रॉन्ग वर्ड को क्या है अलग से इंडिकेट कराना, कंट्रोल वन उसे स्ट्राइक ही करते हैं खासकर एक्सेल के अंदर, हम जैसे पेन से उस पर क्रॉस नहीं मार देते इस तरीके से, भाई स्ट्राइक ये सेलेक्ट कर लिया स्ट्राइक। इसका फॉन्ट कलर कर देता हूँ मैं क्या, रेड, क्योंकि रेड चीज़ें ही हाँ तो डिजिटल हो जाएंगे ना सीधा, उसे सीधा हमारा ध्यान जाएगा जिसको भी इस फाइल को हम आगे सेंड करेंगे यूजर को। तो देखिए स्वचालित, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसमें क्या है कि रॉन्ग मिस्टेक को इंडिकेट कराने के लिए हम स्ट्राइक का यूज करते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास स्ट्राइक चलता है। फिर आपको मान लो डिग्रियाँ हैं, आप किसी लैब में काम करते हैं, वहाँ तो डिग्रियाँ लगाई जाती हैं नंबरों पर, अब ये नंबर का साइज आ रहा है थोड़ा कम, तो इसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इस रेंज वगैरह सेलेक्ट और यहाँ पे इसका नंबर जो साइज है यहाँ से कब बढ़ा देंगे। अब मानो डिग्री आए तो डिग्री के लिए आपको ओ यूज कीजिए, ठीक है कंप्यूटर में आपको ओ यूज करना है, वो भी स्मॉल लेटर वाला, कैप्स लॉक में नहीं, सिंपल वाला इस तरीके से। अब इसको क्या है नीचे ड्रैग करो जहाँ तक चाहिए, और मैंने क्या करा इन दोनों नंबरों को आगे हमने यहाँ पे मैं कम ले लेता हूँ, मैंने 40 से स्टार्ट करा और 50, तो जब नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा अपना आप 10 का इंक्रीमेंट होगा इनमें, नीचे ड्रैग कीजिए। अब मुझे इनको पावर बना दो, क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल वन पे जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट पहले से ओके कीजिए, तो ये क्या है पावर हमारी सुपर स्क्रिप्ट अभी नहीं हुई है, इक्वल फॉन्ट सुपर स्क्रिप्ट इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। देखो ये हमारे पास जो नंबर है ना ये ऊपर चले गए हैं, तो इनको एडजस्ट करने के लिए पहले इनको छोटा करो साइज को, देख रहे हो साइज छोटा करो तो अपना ऑटोमेटिक सेट हो गए। अब इनको क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे, इनका साइज जो है ना यहां से आपको कम करना होगा। देखो ऐसे साइज करोगे ना कभी लेफ्ट साइड से तो हमेशा ना जो पिछला कॉलम है उसकी जो विड्थ बढ़ेगी, हमेशा ये राइट टू लेफ्ट किए जाते हैं इनका साइज जब भी हम कम करते हैं। अब कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, फिल पे आएंगे वाइट कर देंगे और बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर में क्या है ये इनसाइड आउटसाइड बीच वालों सेंटर बॉर्डर ये हटा देंगे और देन ओके, तो मेरे पास देखिए डिग्रियां बन के रेडी होगी यहाँ पे, सेल्सियस हमने बना के रेडी कर दिया एक्सेल सीट के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या है ना सेल्सियस हैं बहुत सारे, हमें उन पर काम करना है तो हम सेल्सियस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल वन क्लिक करते हैं तो नंबर हमने कम्प्लीट समझ लिया है, अलाइनमेंट हमने समझ लिया है, फॉन्ट हमारा आज रिकवर हो गया पूरा,
बॉर्डर मैंने आपको रिकवर करा दिया, अलग अलग प्रकार से कैसे अप्लाई करोगे बॉर्डर। अगर और तरीके से चाहिए, थोड़ा मोटा बॉर्डर चाहिए, तो हम बॉर्डर और भी हैं इसके अंदर, जैसे आप चाहते हैं इन पर बॉर्डर जो है थोड़ा सा गहरा आए, तो कंट्रोल वन क्लिक करके हम बॉर्डर पर आइए और ये लाइन सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ से यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर और ये बीच कटा दीजिए, तो देखेंगे थोड़ा डार्क और गहरा बॉर्डर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और कई बार सीटों का हमें जो आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई भी करना होता है, ये वाला कंट्रोल वन पर जाएंगे, फिल, फिल का मतलब है आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये समझाई थी चीजें, तो इनमें हम क्या है कलर अप्लाई करेंगे डेट के ऊपर, डबल क्लिक करो ऑटो फिट के लिए और यहाँ पे डबल क्लिक करो ताकि ये सेट हो जाए, भाई डबल क्लिक कर। अब हम आएंगे फिल ऑप्शन पे, जैसे कोई कलर आपको चाहिए यहाँ से, ये वाला कलर चाहिए, ये चाहिए, तो हेडिंग में तो हम कलर अप्लाई करते ही करते हैं और 100% ही हमें कलर देना ही होगा, या तो अभी यहाँ से दे दीजिए फिल का, या फिर सीधा आप यहाँ के भी ना ये कलर आप ये यूज करेंगे तो वो सबसे स्टैंडर्ड कलर भी है और ये अच्छा भी है, क्योंकि आप प्रिंट भी निकालोगे तो बहुत लाइट आता है उसके अंदर भी, ज़्यादा कलर लेगा भी। अगर इसे थोड़ा और लाइट करना है तो लाइट करने के लिए देखो सेलेक्ट करके यहाँ कलर पर आना, यहाँ होते हैं मोर कलर्स, मोर कलर के अंदर जो ये कलर है ना ये इसमें से ये सेलेक्ट कर लो, देखो थोड़ा और ये वाइट सा हो गया, ये और थोड़ा कम हो गया ना साइज, इसको ओके कीजिए, तो देखना पहले से और लाइट हो गया हुआ है, तो लाइट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसे कलर्स को। तो ये तो है हमारे फिल के ऑप्शंस जिन्हें हम अपनी हेडिंग पर अप्लाई करेंगे ही करेंगे, इसके बगैर हमारा कई जगह काम भी नहीं चलता। बोल्ड कर दीजिए क्योंकि हेडिंग जो बोल्ड भी होती है हमारी इस तरीके से, और कंट्रोल वन क्लिक करेंगे हम, प्रोटेक्शन मैं आपको आगे कराऊंगा, ये हमारा जो कंट्रोल वन कमांड थी वो हमने आज पूरी कंप्लीट हमारा टॉपिक रिकवर हमने कर लिया, जिसमें हमने रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल, श्रिंक टू फिट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट देना, बॉर्डर कैसे अप्लाई होता है, फिल ऑप्शन का कैसे प्रयोग होता है, फॉन्ट ऑप्शन कैसे प्रयोग करते हैं, और कुछ अमेजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग जो मैंने आपके यहाँ से सिखाई है, जिनका आप प्रयोग करके आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहीं पे इस क्लास को हम ऑफ करेंगे।